السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: فاعلم انه لا اله الا الله. وقال في موضع اخر: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. معزز سامعين وناظرين ومشاهدين وحاضرين الكرام، يكفيك وضاحت كم कि आज का दर्स सिर्फ आज के दिन अपनी बात हो रहा है, वरना आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ईशा के बाद ही होगा। ईशा के बाद कुछ मसरूफियत है, कुछ मेहमान और दुआ तशरीफ ला रहे हैं हमारे पास, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि मगरिब के बाद दर्स रख दिया जाए। वरना ये दर्स ऐसा ऐलान किया गया था हर हफ्ते शनिचर को ईशा के बाद हुआ करेगा इंशाल्लाह। आज के दर्स में एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब दे करके इंशाल्लाह आने वाले दिन से या आने वाले हफ्ते से इस किताब की शरह का हम आगाज करेंगे। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है और आता भी है, लोग पूछते भी हैं, वो ये है कि आखिर कब तक अकीदे और तौहीद ही का दर्स होगा, आखिर क्यों और कब तक। इसका जवाब आज के दर्स में इख्तिसार के साथ मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले हमारी जो भी नशिस्त हुई है या जो भी किताबों की हमने शरह की है वो सारी किताबें अकीदे ही से मुतालिक थी। किताब तौहीद, इससे पहले किताब ईमान, उससे पहले कवायद अरबा, कशफ शुबहात, अल उसूल सलाता, अल उसूल सित्ता और इस तरह की जो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की अकीदे पर जो किताबें हैं, उन किताबों की शरह आप लोगों के सामने इसी मस्जिद से की गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान है और हमारे लिए सआदत की बात कि उन किताबों की शरह करने का अल्लाह के तरफ से मुझे मौका मिला और तौफीक मिली। जो किताब अभी हम शुरू करने जा रहे हैं भी अकीदे ही से मुताबिक है, अलअकीदा अलवास्तिया। तो आखिर कब तक हम अकीदा पढ़ते रहेंगे, तौहीद का दर्स लेते रहेंगे। इसका जवाब यह है मेरे भाइयों कि दीन की रूह अकीदा है, तौहीद है। जैसे इंसानी जिस्म के लिए रूह की हैसियत होती है, वही हैसियत दीन के अंदर तौहीद की है। अगर इंसान के जिस्म में रूह ना रहे तो इंसान लाश, बेजान लाश बन जाता है, उसकी कोई हैसियत और उसकी कोई कदर कीमत नहीं रहती। वही हैसियत दीन के अंदर तौहीद की है। तौहीद रूह है, बुनियाद है, असास है, जड़ है। उसके बगैर दीन का इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। इसी तरीके से तौहीद ये हमारी फितरत है। हर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद ही पर पैदा किया है। तौहीद का मतलब यह है कि एक अल्लाह को मानना और सिर्फ उसकी इबादत करना और उसके अफ़ाल में और उसकी जो सिफात हैं उनमें किसी को शरीक ना करना, इसे तौहीद कहा जाता है। और यह हर इंसान की फितरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुल्लु मौलूदिन यूलदु फितरत, हर बच्चे की औलादत फितरत पर होती है। और यहाँ फितरत से मुराद दीन तौहीद, दीन इस्लाम है। इसलिए हमारे नबी ने हदीस के अंदर क्या बयान फरमाया, उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं, नस्लानी बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं, ये नहीं बताया कि उसके माँ बाप उसे मुसलमान बना देते हैं। इसलिए कि हर बच्चा मुसलमान होकर के ही पैदा होता, दीन तौहीद पर पैदा होता है। तो जब ये फितरत है तो फितरत से इंसान इनराफ नहीं कर सकता है, इंसान फितरत को तो छोड़ नहीं सकता है। जब इंसान की फितरत है तौहीद ही के खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तखलीक फरमाई है। उमा खलक जिन और इंसान, हमने इंसानों और जिन्नातों को सबको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और ये अबदून का माना किया गया, ये हजून
यानी इंसान अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान लाए, उसको एक जाने, सिर्फ उसी की बात करे और उसके बाद में किसी को शरीक ना करे। तो ये तखलीक का मकसद हमारे दुनिया में आने का, अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को इसीलिए पैदा किया कि एक अल्लाह पर ईमान ला करके सिर्फ उसी की बात करे, उसके साथ किसी को शरीक ना करे। अल्लाह ने दुनिया के अंदर जितने अंबिया रसूल भेजे इसी मकसद के लिए भेजे, सब के आने का मकसद यही था कि अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स दें और लोगों को शिर्क से बचाएं। वलकद बअथना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इबदु अल्लाह वशरिकू लहू अल-अमर, हमने हर उम्मत में हर कौम के अंदर रसूल भेजा कि जाओ उन्हें इस बात की दावत दो कि सिर्फ अल्लाह की बात करें और ताबूत गैरुल्लाह की इबादत से बचें, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करें। तो अंबिया के दुनिया में आने का मकसद यही, अल्लाह हमें किताबें उतारी इसी मकसद के लिए। जो दुनिया के अंदर किताबें भेजी गई, तौरात, ज़बूर, इंजील, आसमानी किताबें, कुरान और जो सहीफे अंबिया को अता किए गए, इसी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद के क़याम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताबों को भेजा। इस्लाम के अंदर जिहाद मशरू हुआ, क़ताल मशरू हुआ, इसी लिए हुआ कि ताकि दुनिया के अंदर तौहीद को गालिब किया जाए और शिर्क का फलाकमा हो, शिर्क का खात्मा हो। यही असल मकसद है तो जिहाद का कि उसकी तौहीद के साथ हो, लोग एक अल्लाह पर ईमान लाएं और जो रुकावटें हैं एक अल्लाह पर ईमान लाने की, उन रुकावटों को दूर किया जाए, उन रुकावटों को ख़त्म किया जाए और लोगों को आज़ादी के साथ दीन इस्लाम को कबूल करने के लिए रास्ता हमवार किया जाए। यही मकसद है उसका। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी कामयाबी के लिए और हमारी तमकिनत के लिए, गलबे के लिए तौहीद को शर्त करार दिया। तौहीद अवलीन शर्त है दुनिया के अंदर गलबा के लिए और कामयाबी के लिए, और इस तरीके से इज्जत और सरबंदी के लिए तौहीद खालिस ये अवलीन शर्त है। अगर ये शर्त नहीं पाई जाएगी तो हमें दुनिया के अंदर गलबा नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने या माजी में लोगों ने इस शर्त को कायम किया, अल्लाह ने दुनिया के अंदर उनको गलबा अता फरमाया, तमकिनत अता की, नुसरत उनकी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत और हमारी तमकिनत और दुनिया के अंदर हमारी इज्जत और सरबंदी तौहीद ही से मशरूत है। तौहीद रहेगी तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद करेगा, वरना इस तरीके से हमारी मदद नहीं होगी। तौहीद ही की बिना पर इंसान की दो किस्में बनती हैं। अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, फमिनकुम मोमिन वमिनकुम काफिर, एक मोमिन की जमात और एक काफिर की जमात। काफिर में मुनाफिक भी आते हैं, अगरचे दुनिया के लिहाज से मुसलमानों के ग्रुप में, मुसलमानों की जमात में उनका शुमार होता है, वरना अंजाम के अतबार से वो काफिर ही हैं, बल्कि जहन्नम के सबसे निचले तबके के अंदर रहेंगे। तो तौहीद की बिना पर तकसीम हुई है मोमिन की और काफिर की, इंसान को दो जमातों के अंदर इसीलिए तकसीम किया गया। जो अल्लाह पर ईमान रखे, सिर्फ अल्लाह की बात करे, अल्लाह ताला के साथ शिर्क ना करे, वो मोमिन है। जो अल्लाह का इनकार करे, अल्लाह के बाद में शिर्क करे, अल्लाह पर ईमान ना लाए, वो काफिर है। तो ये तौहीद की खातिर ही ये जो तकसीम हुई है, इसी लिए तौहीद इसी की बिना पर हुई है। और तौहीद सबसे बड़ा मारूफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्लिमा की जो एक खास सिफत बयान की है वो क्या है, अमरूना बिल मारूफ या नहू नहीं मुनकर, मारूफ का हुक्म देते हैं लोगों को, मुनकर से रोकते हैं। सबसे बड़ा मारूफ क्या है, तौहीद है, अल्लाह पर ईमान लाना है, और सबसे बड़ा मुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना है। तो ये तो हमारी पहचान है, हमारा खास वस्फ है, और ये हमारी कामयाबी की जमानत है। तो जब ये हमारी पहचान है तो इंसान अपनी पहचान से कभी दोष नहीं हो सकता है। या अमरूना बिल मारूफ या नहू नहीं मुनकर, सबसे बड़ा मारूफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद और उसके ऊपर ईमान लाना, इसलिए तौहीद का हम जिक्र करते हैं। जो हम आमाल करते हैं उन तमाम आमाल की कबूलियत का दारोमदार भी तौहीद खालिस पर है। हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारी ज़कात, हमारा हज, हमारी कुर्बानी और इस तरीके से जो भी इबादत हम करते हैं, उन सारी इबादत की कबूलियत का दारोमदार इसी के ऊपर है। इंसान अगर सारी इबादत करता है लेकिन तौहीद उसके पास नहीं, शिर्क है, तो इन इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं इसका, इसकी कोई हैसियत नहीं है।
अल्लाह ताला जर्रात की शक्ल में उसे उड़ा देगा, आखिर में उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, उसकी सारी मेहनत रहेगा, सारी कोशिश उसकी बर्बाद, क्योंकि उसके पास तौहीद नहीं है, खालिस अल्लाह पर ईमान नहीं, नमाज भी पढ़ता है, शिर्क भी करता है, रोजे भी रखता है, लेकिन अल्लाह के अलावा दूसरे को भी पुकारता है, गैरों का वास्ता वसीला लेता है, यही तरीके से जो इबादत अल्लाह के लिए उनमें उन इबादत को दूसरे के लिए करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें तौहीद इबादत जो हैं, ये तौहीद ही की बुनियाद पर कबूल की जाने वाली है। अगर तौहीद खालिस इंसान के पास नहीं है तो इन तमाम इबादतों का इंसान का कोई फ़ायदा नहीं है, वो यह कि बिला वजह कि इंसान मेहनत कर रहा है, और सबसे पहले दावत भी इंसान को तौहीद ही की जाती है। जितने नबी दुनिया के अंदर आए सब ने लोगों को तौहीद ही की दावत दी, पूरी ज़िंदगी हज़रत मुहम्मद 950 साल तक, और पूरी ज़िंदगी अम्बिया ने इसी दावत तौहीद के अंदर गुजारी। यही असल चीज़ है कि इंसान तौहीद की तरफ, अकीदे की तरफ लोगों को बुलाए और उसकी तरफ इंसान लोगों को दावत दे। ऐसा नहीं है कि कोई नबी किसी और मकसद के लिए भेजा गया है, सबसे अजीम और सबसे बड़ा मकसद दुनिया में नबियों के आने का ही हुआ करता था। अब नबियों का सिलसिला ख़त्म हो गया है, अब ये जो इस दीन के मानने वाले हैं जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है, अम्बिया के वारिस, उनकी जिम्मेदारी है कि तौहीद को और ईमान को, अकीदे को दुनिया के अंदर आम करें और इस तरीके से लोगों को उसकी तरफ बुलाएं। तौहीद अल्लाह अकबामिन का सबसे बड़ा हक, सबसे बड़ा हक अल्लाह अकबामिन का तौहीद का। हज़रत मुआज़ बिन जबल से अल्लाह के रसूल ने क्या पूछा था कि क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह का तुम्हारे ऊपर क्या हक है और तुम्हारा अल्लाह पर क्या हक है? हज़रत मुआज़ बिन जबल ने कहा कि अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह का सबसे बड़ा हक तुम्हारे ऊपर यह है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ कुछ भी शिर्क ना करो, अल्लाह ताला की सिर्फ इबादत करो, उसके साथ कुछ भी शिर्क करो। इसी को तौहीद कहा जाता है, सिर्फ अल्लाह की इबादत, उसके साथ शिर्क ना करना। जब तक ये दूसरी चीज़ नहीं होगी, शिर्क ना करने वाली, जब तक तौहीद का कोई माना और मतलब नहीं है। बहुत सारे मुसलमान हैं अल्लाह पर ईमान है, उनका तौहीद भी कुछ हद तक पाई जाती है, किसी ने कि अल्लाह को मानते हैं, नमाज रोज़ा वगैरह भी करते हैं, लेकिन आप देखेंगे उनकी इबादत के अंदर शिर्क है। इसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत के साथ साथ शिर्क से दूर रहने का हुक्म दिया है, उबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की बात करो, अल्लाह ताला के साथ कुछ भी शिर्क ना करो। अल्लाह ने बार बार हमें इसकी ताकीद की, उसका हुक्म दिया। उसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी मुस्लिम की रवायत है, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि तुम सिर्फ अल्लाह की बात करो, अल्लाह ताला के साथ कुछ भी शिर्क ना करो। ये बुनियाद है हमारी, ये असास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये सबसे बड़ा हक है, अल्लाह के रसूल की सिफारिश लेने के लिए, पाने के लिए भी तौहीद शर्त है। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की सिफारिश करेंगे जो मुवहिदीन होंगे, मुशरिकीन की सिफारिश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करेंगे, मुवहिदीन की सिफारिश करेंगे। तो अगर तौहीद नहीं होगी तो हम सिफारिश से महरूम हो जाएंगे, अल्लाह के रसूल की सिफारिश हमें हासिल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सवाल किया कि मन असअदु नास शिफात के यौम अल क़यामा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सबसे बड़ा खुशनसीब बंदा कौन है जो आपकी शिफात का हकदार होगा? तो माने ने उनसे क्या फरमाया कि मुझे यही उम्मीद थी कि ये सवाल आप ही को तुम ही करोगे, तुम्हारा जो हिस्स है हदीस और ईमान और अकीदे के ताल्लुक से, तो ये था कि ये सवाल आप ही का तुम ही करोगे। तो फिर हमारे दिन फरमाया कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन लिक़ल्बिही, जो खलूस दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा उसी के लिए मेरी सिफारिश हराम हो जाएगी। खलूस दिल के साथ, खलूस दिल का मतलब ये इंसान ताबे में मुखलिस हो, सिर्फ जबान से ना कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया लेकिन उसके मुताबिक अमल उसके पास नहीं है। एक तरफ तो अल्लाह पर ईमान का दावा और दूसरी तरफ ऐसे अमाल करता जो दावे की मुखालफत करने वाले हैं, उस दावे के मुनाफी हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए अगर अल्लाह के रसूल की सिफारिश चाहिए, नबी की शिफात चाहिए, तो उसके लिए तौहीद शर्त है। शर्त का मतलब यह है कि जब तक तौहीद नहीं होगी हमारे भी सिफारिश नहीं करेगी। जैसे नमाज के लिए वजू शर्त है, क्या बगैर वजू के नमाज हो जाएगी? एक इंसान अगर बगैर वजू की नमाज पढ़े ज़िंदगी भर तो नमाज का कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं।
उसकी मेहनत रायगा होगी, वो नमाज गोया कि उसने पढ़ा ही नहीं। ऐसे अगर तौहीद नहीं है तो अल्लाह के रसूल सिफारिश ही नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिदातियों को भगा देंगे हौज़े का हौज़ से, बिदातियों को जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले होंगे, और आप पहचानेंगे उनके निशाना से, पेशानी पर सदे का निशान है, हाथ और पाँव दो कीले से चमक रहे होंगे। आप कहेंगे मेरी उम्मत के लोग, यानी मुसलमान लोगों की बात हो रही है, मुस्लिमों की बात नहीं हो रही, मुसलमानों की बात हो रही है। तो आपसे कहा जाएगा कि आपको नहीं मालूम कि उन्होंने आपके बाद दीन के अंदर क्या क्या पैदा कर दिया, दीन के अंदर नई नई चीज़ें पैदा कर दी, बिदात पैदा कर दी। अल्लाह के रसूल कहेंगे उन लोगों को भगाओ यहाँ से जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। जब बिदतियों के लिए होगा, जो दीन के अंदर बिदतें करते हैं, नई नई चीज़ें पैदा करते हैं, खुराफात करते हैं, तो जो शिर्क कर रहे होंगे उनका हाल क्या होगा? उनको तो आप भगा देंगे। जब बिदती के लिए हौज से पानी नहीं मिलेगा, तो जो अल्लाह पर गर्ज ईमान का दावेदार है लेकिन उसके इबादात में शिर्क है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से उसको कैसे पानी नसीब होगा? नहीं पानी उसको मिल सकता। ये तौहीद सब शर्तें हैं, बुनियादी शर्तें हैं। कब्र जो आखिरत की पहली मंजिल है, आखिरी मंजिल नहीं है कब्र, ये पहली मंजिल है। जो इंसान मर गया कब्र का मरहला शुरू हो गया, और ये पहला मरहला है कब्र का जी। तो पहला जीना है जैसा कि कहा जाता है, अव्वल पहला क्या नाम है मंजिल है ये कब्र आखिरत का। यहाँ भी साबित खत्मी के लिए तौहीद खालिस शर्त है। जो तौहीद खालिस वाला होगा वही सही जवाब दे पाएगा, जिसके पास ईमान और अकीदा नहीं होगा, तौहीद खालिस नहीं होगी, वो जवाब नहीं दे पाएगा। यहीं से मसला जो है सामने आ जाएगा। तो आखिरत की जो पहली सीढ़ी है, जो पहला जीना है, पहली मंजिल है कब्र, उसी कब्र के अंदर भी इस्तेकामत के लिए, साबित खत्मी के लिए ज़रूरी है कि इंसान तौहीद खालिस, जन्नत में दाखिले के लिए, जहन्नम से बचने के लिए तौहीद शर्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन पर जन्नत हराम कर दिया, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और मुअहिदीन पर हमेशा के लिए जहन्नम को अल्लाह ने हराम कर दिया। मुअहिदीन हमेशा जहन्नम के अंदर नहीं रहेंगे, अगर जहन्नम में जाएंगे भी अपनी बदअमालियों की बिना पर, जुल्म व ज़्यादती, बद अखलाकी या इस तरीके से और गुनाहों की बिना पर अगर जहन्नम में जाएंगे, तो अल्लाह ताला उनको हमेशा जहन्नम में नहीं रखेगा, अल्लाह ताला उनको ज़रूर जहन्नम से निकाले। मुहिदीन पर जहन्नम हमेशा के लिए जहन्नम हो, ये हराम है, वो कभी हमेशा जहन्नम के अंदर नहीं रहेगा। एक फतरे तक रहेंगे, एक महदूद मुद्दत तक जो अल्लाह बनाएगी बनाएगा मुद्दत, उस मुद्दत तक रहेंगे वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, लेकिन अल्लाह रब्बानी तौहीद के बिना पर उनको ज़रूर जहन्नम से निकाले। लेकिन एक बंदा जो शिर्क करने वाला हो, दुनिया में कितना ही अच्छे अखलाक वाला हो, दुनिया में कितना ही लोगों के साथ उसका अच्छा मामला हो, कितना ही लोगों के साथ उसे सलूक करने वाला हो, सबके हक अदा करने वाला हो, लेकिन उसका अगर अल्लाह ताला के साथ अच्छा अखलाक नहीं है, अल्लाह ताला के साथ उसका हुस्न सलूक नहीं है, अल्लाह के हक को अदा करने वाला नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसे जी। इंसान को अखलाकमंद भी होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जहन्नम की सख्ती कौन बर्दाश्त कर सकता है, ये भी ज़रूरी है इंसान के लिए। अखलाक की अहमियत कम नहीं की जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तौहीद के लिए भेजे गए थे, वहीं आपकी दुनिया में आने का मकसद अखलाक नहीं था, क्योंकि अखलाक के हुक्म को इबादत के अंदर आते हैं। अखलाक इससे पहले मैंने बताया कि अल्लाह ताला के साथ भी उसने अखलाक होना चाहिए। अखलाक की इतनी फजीलत क्यों है, इतनी अहमियत क्यों है? इसलिए कि अखलाक तौहीद भी है, अखलाक ईमान भी है। लिहाजा इंसान का अगर अल्लाह के साथ अच्छा अखलाक है, अल्लाह के साथ अच्छा सलूक है, तब वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर अल्लाह ताला के साथ अखलाक उसका अच्छा नहीं है, बंदों के साथ है, लोगों के साथ है, या बीवी के साथ है, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, ये ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला के साथ अगर उसने अखलाक नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए अखलाक के बारे में जो कहा गया है कि क़यामत के दिन तराज़ू में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होगी अखलाक होगा, वहाँ अखलाक से मुराद अल्लाह ताला के साथ अखलाक होगा, बंदों के साथ दूर मुराद है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंदों के साथ अखलाक होगा, इसलिए बंदों के साथ हुस्न अखलाक का कोई फ़ायदा नहीं है,
अगर इंसान का अल्लाह ताला के साथ अच्छा अखलाक नहीं तो ये जन्नत में दाखिले के लिए जाने के लिए तौहीद अव्वलीन और बुनियादी शर्त है और जहन्नम से बचने के लिए तौहीद शर्त है। तो ये सब बुनियाद है, असास है, इसलिए हम तौहीद और अकीदे की हमेशा बात करते हैं। कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, पूरा कुरान तौहीद है शुरू से लेकर के आखिर तक। देखिए मुझे या तो बराह रास्त तौहीद का जिक्र है, अकीदे का जिक्र है, या तो जो मुवहिदीन हैं उनके लिए जो बदला अल्लाह ने रखा जन्नत उसका जिक्र है, या तो जो तौहीद को नहीं माने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया अल्लाह पर ईमान नहीं रहा, ये ईमान रहा लेकिन शिर्क किया अल्लाह ताला के साथ, उनके लिए अजाब और जहन्नम का जो जिक्र है वो इसीलिए है कि तौहीद ना मानने की वजह से। अल्लाह ने कुरान करीम में जो उम्मतें गुजरी हैं उनके हालात बयान किए हैं कि अल्लाह ने उनको किस तरीके से बर्बाद कर दिया, किस तरीके से उनको सजा दिया, क्यों सजा दिया दुनिया के अंदर तौहीद को ना मानने की वजह से। इस तरीके से आप मसाइल देखिए, मसाइल कभी तौहीद से ताल्लुक है, क्योंकि उन मसाइल पर अमल करने का फ़ायदा उसी वक्त होगा जब इंसान तौहीद को नाफिज करने वाला होगा। इसीलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह जिनकी किताब है अकीदा वास्तिया, उन्होंने बयान किया है कि पूरा कुरान की तौहीद ही तौहीद है, कुरान के अंदर तौहीद ही है, या तो बराह रास्त वजाहत और सराहत के साथ तौहीद का जिक्र, या मुवहिदीन के लिए अच्छे बदले का जिक्र, या जो तौहीद के इनकारी हैं तौहीद को ना मानने वाले हैं उनके लिए इंतकाम और अजाब का जिक्र, या तो जो मसाइल हैं इबादात हैं जैसे नमाज रोज़ा हज ज़कात तलाक निकाह और दीगर मसाइल का जिक्र है, तो उनकी भी कबूलियत का दारोमदार उसी तौहीद पर है। लिहाजा पूरा कुरान तौहीद ही तौहीद है, तो फिर तौहीद से इंसान एराज क्यों कर सकता है, तौहीद से इंसान पहलू तो ही क्यों कर सकता है। लोग जिंदगी भर फजाइल अमान पढ़ते हैं तो उन्हें लोग शिकायत करते हैं कि भाई उठ फसकर बहुत हो गया, लेकिन तौहीद का जिक्र होता है तो लोग एतराज करते हैं कि हमेशा तौहीद ही क्यों। ये पहचान है भाई हमारी तौहीद, हम इसको नहीं छोड़ सकते, सब सालीन के अकीदे और मनहज पर चलने वाले और ये दीन की पहचान और इलामत है और उसी पर सरदार मदार है, तो तौहीद इंसान कैसे छोड़ सकता है। जी हाँ, सबसे बड़ी फजीलत वाली जो चीज़ है यही है तौहीद, उससे बड़ी फजीलत वाली कोई चीज़ नहीं है। तौहीद तो ऐसी चीज़ है कि इंसान के सारे गुनाहों को मिटा देने वाली चीज़ है। अल्लाह के सुख सल वसम हदीस है, हदीस खुदसी के अल्लाह फरमाता है कि अगर बंदा मेरे पास क़यामत के दिन यानी ज़मीन भर आसमान भर गुनाह लेकर के आएगा लेकिन उसने शिर्क नहीं किया होगा तो मैं उसको माफ़ कर दूँगा, शिर्क नहीं किया होगा उसको माफ़ कर दूँगा। तो तौहीद ही हमारे गुनाहों का कफारा ही, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देने वाले चीज़। हमारे भी फरमाते जिसकी वफ़ात इस हालत में हुई हो कि उसने अल्लाह ताला के साथ शिर्क ना किया और अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर दिया, और जिसकी वफ़ात शिर्क की हालत में हुई हो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, वो हमेशा में जहन्नम के अंदर रहेगा। तो ये तौहीद है, इसलिए तौहीद का हम बार बार जिक्र करते हैं। कायनात के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत पर जिक्र करती हैं। अल्लाह की तमाम मखलूकात, खुद इंसान, सूरज चाँद सितारे और दुनिया की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के एक होने पर, अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी वहदानियत पर दलालत करने वाली चीज़ें। इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में मखलूकात का जिक्र किया है, सूरज चाँद सितारे जो सब हैं ये सब निशानियाँ हैं। किस बात की निशानियाँ? तौहीद की पहचान और निशानियाँ हैं। अगर इंसान इन्हें गौर कर ले तो अल्लाह ताला तक उसकी रसाई हो जाएगी, अल्लाह तक वो पहुँच जाएगा, अल्लाह पर उसका ईमान हो जाएगा। अगर इन तमाम चीज़ों के बारे में वो इंसान जो है सोचे और गौर करे, जो निशानियाँ दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए, खुद इंसान वफी अनफुसिकुम अफलातुन तुबसिरून, खुद अपने बारे में तुम गौर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बसीरत से काम लेते अपने बारे में। अगर अपने बारे में इंसान गौर कर ले कि एक इंसान की किस तरीके से तख्लीक होती है, किस तरीके से वो जन्म लेता है, किस तरीके से अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक फरमाई, तो यही सोच और यही फिक्र इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुँचाने के लिए ये भी एक रास्ता है, इंसान अल्लाह ताला तक पहुँच सकता है। इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन चीज़ों को भी कुरान मजीद के अंदर बयान किया। तो ये है कि ये सारी तौहीद के बारे में, हम दिन और रात में पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं और दुनिया में कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जहां अजान ना होती रहती, हमेशा अजान होती रहती है या इकामत होती रहती है।
कि अजान होती है या अकामत होती है, क्योंकि इल्ला माशाअल्लाह, क्योंकि हर मुल्क का वक्त अलग अलग है, हर मुल्क का वक्त अलग अलग है। अजान क्या है? अजान तौहीद ही उसके अंदर है, अल्लाह की बड़ाई का जिक्र है, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है, नबी पर ईमान का जिक्र है, कामयाबी का जिक्र है, क्योंकि पहले तौहीद फिर नमाज है। नमाज उसी वक्त फायदेमंद होगी, कामयाबी उसमें होगी, जब इंसान उससे पहले रुकन को वो मुकम्मल तौर से कायम करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जाने उस पर ईमान। तो अजान भी देखिए, अकामत भी देखिए, उसके अंदर हमेशा तौहीद का जिक्र ही होता है, अल्लाह ताला चाहता है तौहीद का जिक्र हमेशा। 124,000 अंबिया रसूल दुनिया के अंदर आए इसी मकसद की दुनिया के अंदर। तो तौहीद जब तक दुनिया है जब तक तौहीद का जिक्र होगा, जब क़यामत कायम हो जाएगी तौहीद का जिक्र खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक दुनिया है जब तक दुनिया के अंदर तौहीद का जिक्र किया जाएगा, और इसे इंसान मुस्तफ़ नहीं हो सकता, इससे इंसान जो है बेनियाज नहीं हो सकता कि हमने तो सीख लिया, हमने तो पढ़ लिया, नहीं, ये समंदर है और ये अहम और असास और बुनियाद है, बार बार इंसान को करना चाहिए। इमाम इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह से क्या नाम है, वाकया मकबूल है, वो कहते हैं कि तौहीद का जिक्र करते थे हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह किताबें भी लिखी तौहीद पर उन्होंने, और उनकी दावत का लुब्बे लुबाब तौहीद ही था, जैसा कि अंबिया की दावत का लुब्बे लुबाब और खुलासा था। तो दर्श देते थे वो, एक मरतबा उन्होंने जिक्र किया और कहा कि एक वाकया सुना गया है कि एक औरत ने एक मुर्गा ज़बह किया बैरुल्लाह के नाम पर, लेकिन मुर्गा जो है उसके हाथ से बच करके उड़ गया। तो लोगों ने सुना, कहा कि नहीं अच्छा नहीं किया उसने, बस गलत किया उसने, लोग खामोश हो गए इस पर। और एक वाकया जिक्र किया कि एक आदमी ने ज़ना किया है और इस तरीके से, तो लोग उसे बुरा भला कहने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, कितना बड़ा जुर्म का इंतकाब किया, ज़ना किया किसी मतलब महरम औरत के साथ जो उसके करीबी थी और रिश्तेदारों में से थी, महरम थी, उसके साथ उसने किया। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये कि तुम लोगों ने भी तौहीद समझा ही नहीं है। कौन बड़ा गुनाह है? ज़ना करना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना बड़ा गुनाह है। उसने शिर्क किया अल्लाह ताला के साथ, एक जानवर को, एक मुर्गे को बैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया, उसको मैंने बयान किया, तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा उसके ऊपर, और जब ज़ना का जिक्र किया तुम लोगों ने सर पर आसमान उठा लिया। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने भी तौहीद समझा ही नहीं। कई साल दर्ज देने के बाद तो ये है तौहीद मेरे भाई। आज भी हमारे यहाँ यही है कि लोग कोई अगर कोई ज़ना करता है, ठीक है ज़ना हराम है, बड़ा गुनाह है, कोई शक नहीं, बड़े बड़े गुनाह हैं, शिर्क के अलावा भी सबसे बचना ज़रूरी पाएगी, लेकिन जब इंसान शिर्क करता है तो उसको वो जो है बुरा समझता ही नहीं, बस खामोश हो जाता है, कोई मसा नहीं उसके साथ किया कि कुछ नहीं हो। अगर वही ज़ना कर ले सब उसको मारना पीटना शुरू कर दें, लेकिन अगर वही शिरक करता है तो उसको मारने पीटने में नहीं जाता, तावीज पहनता है, गंडा पहनता है और कड़े और छल्ले पहनता है हाथ में, यहाँ आते बड़ा करने के लिए लोग, और असर की नमाज में देखता हूँ कितने लोगों के हाथों में कड़े नजर आते हैं, छल्ले बदे हुए नजर आते हैं, धागे बदे हुए नजर आते हैं, कोई उसको नहीं बोलता है। लेकिन अगर वही कोई बाहर मान लीजिए जना कर ले या कोई गलत काम कर दे, सब उसको डांटना करना शुरू कर देंगे, सब उसको चिल्लाना शुरू कर देंगे, लेकिन इतना बड़ा गुनाह शिर्क करता है कोई कुछ नहीं बोलता है। इसलिए कि तौहीद की अहमियत हमारे सीनों में नहीं रह गई है, तौहीद की अज़मत ख़त्म हो गई हमारे सीनों से, हम तौहीद को सामने दर्जा देने लगे हैं, असल इन गुनाहों को देने लगे हैं जो गुनाह बड़े हराम नहीं करना चाहिए, लेकिन तौहीद की अहमियत हमारे सीनों से ख़त्म हो गई है, इसलिए हम शिर्क करने वाले को बुरा नहीं समझते जी। और ये अगर कोई दूसरा गुनाह करता तो हम उसको बहुत बड़ा समझते हैं, उसे बहुत बड़ा गुनाह, बच्चा अगर कोई कर दे तो उसको बहुत बड़ा गुनाह समझ बैठेंगे आप, लेकिन अगर तौहीद उसके पास नहीं है, कोई शिर्क करता तो कुछ नहीं हम समझते उसको। तो ये मेरे भाई तौहीद ऐसा दर्श है या तौहीद ऐसी चीज़ है जिससे इंसान कभी मुस्तफ़ी नहीं हो सकता क़यामत तक, इंसान को जब तक उसकी जान बाकी है, जब तक इंसान को तौहीद सीखना और समझना उसको। कितने ऐसे मसाइल हैं लोगों को समझ में नहीं आता है, अमल जो शिर्क रहता है लोग उसे तौहीद समझ कर करते हैं, अकीदा लोग समझ कर शुरू करते हैं, लोग उसको बुरा ही नहीं समझते हैं। तो मेरे भाई तौहीद की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। आज लोग स्कीम बनाते हैं, लोग तंजीमें बनाते हैं, लोग मुहिम चलाते हैं कि इस इलाके के अंदर शराब नोशी नहीं होनी चाहिए,
शराब नोशी से ये हमारा शहर पाक होना चाहिए, सिगरेट नोशी से हमारा इलाका पाक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन शिर्क से पाक होने के लिए क्या कोई मुहिम चलाई जाती है कि हमारे इलाके के अंदर शिर्क ना हो, इस पूरे खत्ते के अंदर शिर्क ना हो, हमारा जो गांव है इसके अंदर शिर्क ना हो? कोई तंजीम नहीं चलाई जाती, कोई मुहिम नहीं चलाई जाती। सिगरेट नोशी से पाक होना चाहिए, ड्रग्स से पाक होना चाहिए हमारा माशरा, और शराब नोशी से पाक होना चाहिए। सब लोग करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं, मुसलमान भी पेश पेश रहते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है ऐसा कि हम चाहते हैं कि पूरे इलाके के अंदर, पूरे शहर के अंदर शिर्क ना हो? तो कमजोरी हमारी है, हमने तौहीद की अहमियत को भुला दिया और इन चीज़ों को जो है हमने बड़ा गुनाह समझ बैठा है। तो मेरे भाई, तौहीद ये असास और बुनियाद है, ये रूह है हमारी। अगर हमारी रूह नहीं रहेगी जिसमें के अंदर जान नहीं रहेगी, तो हमारा वजूद खत्म, बेमाना हमारा वजूद, कोई फायदा नहीं है। वो इस तरीके से तौहीद भी है, अगर हमारे ईमान में हमारे अंदर तौहीद नहीं है तो फिर हमारे आमाल का, हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। इसीलिए बार बार हम मसलके सलफ को अपनाने वाले, सलफ सालेहीन को अपना उसवा नमूना बनाने वाले, हमेशा हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे तौहीद का जिक्र होता है, बार बार उसी का जिक्र किया जाता है, क्योंकि आपकी दीगर बातों की कबूलियत का दौर मदार उसी के ऊपर है। तो इसीलिए इस किताब का इंतखाब किया गया है, अकीदे वास्तिया, जो अकीदे पर बहुत ही अहम तरीन किताबों में से किताब है। और इस किताब के अंदर मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने जो ईमान के अरकान हैं छः, उनके बारे में ख़ास तौर से अल्लाह पर ईमान और उसके असमा और सिफात को बड़ी तफसील के साथ बयान किया। क्योंकि तौहीद की तीन किस्में हैं, आप लोग शायद जानते होंगे, अक्सर लोग जानते होंगे, लेकिन ये भी बड़ा मसला है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। हमने वर्मा से पूछा, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह इस बात पर, मदरसे के फारिग हैं हमारे मुल्की के दारुल उलूम से, ठीक है, देवबंदी मदरसे से, देवबंद से और बड़े बड़े मदरसों से। मैंने उनसे पूछा कि तौहीद कितनी किस्में, नहीं बता पाए। वो आए थे हमारे पास, किसी मस्जिद में इमाम है, वो नमाज बात पढ़ाते हैं, देते हैं कि आप जो है उनके इमाम साहब ने मेरे पास भेजा उनको कि देखें कैसे साहब हैं। हमने उनसे पूछा दो तीन सवाल आपके, तौहीद कितनी किस्में, नहीं बता सके, नहीं मालूम। इमाम मदरसे के फारिग हैं वो, तो जो तौहीद की किस्में नहीं जानता हूँ क्या लोगों को तौहीद का दर्द देगा? इसलिए उनके यहाँ तौहीद नहीं है, उन लोगों की आप देगा। मैं बरेलियों की बात नहीं करता, मैं तो भाई हूँ, इन लोगों की बात करता हूँ जो अपने आप को मुहद्दीन कहते हैं कि हमारे पास तौहीद है, हम तो तौहीद वाले हैं। उनसे आके पूछा, नहीं है उनके पास, तौहीद की नहीं जानते कितनी किस्में हैं, फारिग हैं मदरसे से वो, उनके पास सर्टिफिकेट अच्छे नंबर से कामयाब है। अल्लाह ताला कहा, उसका भी जवाब नहीं दे पाए। अल्लाह ताला कहा, आलिम है मेरे भाई, फारिग है वो मदरसे से, क्या दर्श देंगे वो लोग? यानी इतनी लापरवाही थी तौहीद के तामुल से, सोच की बात है, मदरसों के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि जो असल किताब तौहीद की वो नहीं पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते हैं अकीदे तहाविया, उन्हीं के इमाम की किताब है, बहुत बड़े हनफी आलिम थे इमाम अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह अलैह, अकीदे तहाविया, उसको हम पढ़ाते हैं, लेकिन लोग नहीं पढ़ाते उस किताब को, हालांकि उन्हीं के अपने इमाम हैं, मसाइल उनका हवाला देंगे लेकिन तौहीद उनका हवाला नहीं देंगे। और अकीदे तहाविया की शरह भी की है एक हनफी आलिम ने, इब्नु अबिल इज़ अल हनफी रहमतुल्लाह अलैह, उनका अकीदा सही था, तौहीद सही थी उनकी, लेकिन उन अकीदों, उनकी किताबों को नहीं पढ़ाते हैं, दूसरी किताबें पढ़ाते हैं जो जिसमें जो है तौहीद का नहीं बल्कि अशरी और मातुरीदी जो अकीदे हैं, अल्लाह के नाम की और सिफात का इनकार या गलत तावील या गलत माना बयान करना, उन किताबों को पढ़ाते हैं, जो असल सलफ सालेहीन पर मुश्तमल और उससे मुतालिक किताबें उनको नहीं पढ़ाते हैं। ये अलमिया मेरे भाई, और हम उनकी किताबें पढ़ाते हैं, अकीदे तहाविया हमारे पास हो भी किताब नाम ऐसा नहीं है, लेकिन वो अकीदे पर मजबूत तरीन किताब, इसलिए उसको पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ भी पहले हुई किताबें पढ़ाई जाती थी, अकायद नस्फी या नस्फी, एक उनके आलिम गुजरे हैं जो अशरी और मातुरीदी थे, अल्लाह के सिफात का इनकार करने वाले, तावील करने वाले, और जो फलसफी थे वो किताब वही पढ़ाते हैं, लोग हमारे यहाँ भी पढ़ाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमको मालूम हम उसको छोड़ दिए। यही हमारी पहचान होनी चाहिए, यहाँ लोग आए मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहाँ अकीदा सीखा, तौहीद सीखी, जाकर के उन तमाम किताबों को निकाल दिए, और वो किताबें हम पढ़ाते हैं जो सलफ सालेहीन के मनहज पर किताबें होती हैं, लेकिन वो लोग उन किताबों को नहीं पढ़ाते, अगरचे उन्हीं के इमाम किए हैं, मसाइल में दलील देंगे, लेकिन तौहीद और अकीदे में उनको मोतबर ही नहीं मानते, क्योंकि खुद उन्होंने लिखा है कि सब लोग हमारे यहाँ मोतबर नहीं हैं,
मसाइल, ये क्या नाम है, अकीदे में जी हाँ। तो मेरे भाई ये अलमिया है, आलिम है, फारिग तहसील है मदरसे के, लेकिन फिर भी तौहीद कितनी किस्में हैं, अकीदा क्या नहीं जानते। तो तौहीद की तीन किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफात। इस किताब के अंदर तौहीद अस्मा व सिफात पर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा गुमराही लोगों के अंदर भी पैदा हुई, उलूहियत के अंदर भी है शिर्क, और अस्मा व सिफात के अंदर भी लोग अल्लाह के नाम का इनकार, सिफात का इनकार, एक गिरोह पैदा हुआ जामिया अल्लाह के नाम का, सिफात का, सब का इनकार कर दिया, और इन्हें गोया कि अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह के वजूद ही का इनकार। दुनिया में क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसका नाम और सिफत ना हो? अगर किसी का नाम और सिफत नहीं है तो अदम है, यानी अदम ना होना, तो गोया कि उन्होंने अल्लाह ही का इनकार कर दिया। उसके बाद एक गुरु पाया मुसलमानों का मुतज़िला अकल परस्त, उन्होंने अल्लाह के नाम का तो माना लेकिन सिफात का इनकार कर दिया, कहा अल्लाह ताला समी है लेकिन बगैर सुनने के, अल्लाह देखने वाला लेकिन बगैर देखने के, अल्लाह कुदरत वाला लेकिन बगैर कुदरत के। ये ऐसी मुशगफाना फलसफियाना और मुलहदाना बातें थी, जो सेम उसी थी जैसे गोया कि उसने अल्लाह के नामों का इनकार कर दिया। क्या फ़ायदा, इंसान कुदरत वाला लेकिन कुदरत ही नहीं उसके पास। ऐसी ऐसी बकवास की लोगों ने, ये तो अल्लाह का करम रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन और मुजद्दिदीन उलमा पैदा हुए जिन्होंने उनका कलाकमा किया और उस तरीके से उनका रद्द किया, उन्हीं में से इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह है। और तीसरी किस्त तौहीद अस्मा व सिफात है, अल्लाह के बेशुमार नाम, बेशुमार सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुरान में और सही हदीसों के अंदर जैसे बयान किया कि उस पर ईमान लाना, ना उसका इनकार करना, ना उसकी तावील करना गलत, ना उसका गलत माना बयान करना, ना उसकी कैफियत बयान करना, ना उसकी मिसाल देकर देना, ना उसकी तस्वीर बयान करना, ये है अकीदे अस्मा व सिफात। तो ज़्यादातर मसला उन्होंने अस्मा व सिफात के ताल्लुक से, ऐसे अल्लाह के ईमान के जो तकाजे उसको बयान किया है, आखिरत पर ईमान के तकाजे क्या हैं, और इस तरीके से अल्लाह की बहुत सारी सिफात, अल्लाह के लिए वजह है, अल्लाह के लिए हाथ है, अल्लाह के लिए कुदरत है, सब ये सवाएँ इंशाल्लाह। तो इन तमाम मसाइल को इन्होंने इसके अंदर बयान किया है। क़यामत के लिए अल्लाह ताला के दीदार का जिक्र, जिसको मुतज़िला और अकल परस्त लोग नहीं मानते हैं, या इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें जो आखिरत से मुतालिक है, सिफारिश का जिक्र, पुरसरात का जिक्र, और अल्लाह तब्दील का जिक्र यहाँ पर, क्योंकि ईमान की शर्त का है ना, तो उन तमाम अरकाम को किसी को ज़रा तफसील के साथ, किसी को इख्तिसार के साथ उन्होंने इस किताब के अंदर बयान किया है। ये किताब का मुख्तसर सा मैंने तआरुफ हुआ कि आपके सामने कि किताब किस मौजू पर है और क्या इसके अंदर मकसद में बयान किया, इसको हमने आज के दर्स में बयान किया। तो तौहीद मेरे भाई इसीलिए, क्योंकि हमारी बुनियाद और ज़रूरत हमारी कामयाबी के लिए शर्त अवलीन है, इसके बगैर तौहीद कामयाबी का तसव्वुर नामुमकिन है, ना दुनिया के अंदर सरबंदी का, ना आखिरत के अंदर कामयाबी का। इसलिए अकीदे तौहीद का हम बार बार जिक्र करते हैं और करते रहेंगे, ये हमारी पहचान है ख़ास जी हाँ, और हमें इस पर ईमान है तौहीद पर, और इस बात पर कि तौहीद के बगैर इंसान को दुनिया के अंदर कामयाबी नहीं मिल सकती और ना ही आखिरत के अंदर मिल सकती। जब तक जान है, जब तक दुनिया है, जब तक इंसान तौहीद का दर्स देता रहेगा, अकीदे का सबक सिखाता रहेगा, और ये अमानत जो अल्लाह ने हमें सौंपी है, उस अमानत को दूसरों के हवाले हम करते रहेंगे यहाँ तक कि हमारी वफात हो जाए और हम दुनिया से चले जाएँ, ये हमारी पहचान है। तो इसलिए तौहीद खालिस का बार बार जो है आप लोगों के सामने हम जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला दुआ की अल्लाह ग्रामीण हमें तौहीद खालिस पर कायम रखे, अल्लाह हमें शिर्क से महफूज रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पक्का और सच्चा ईमान अता फरमाए, अल्लाह हर किस्म के शिर्क से हमको महफूज रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सब सारे के अकीदे और मनहज पर कायम रखे, क्योंकि उसी के बनाने में हमारे लिए निजात है, वो हमारे लिए मोतबर उसवा और नमूना है। उनके बगैर अगर किसी का ईमान और अकीदा और मनहज होगा तो वो बातिल रास्ते पर है, सिर्फ दावे से काम नहीं चलेगा, उनके मुताबिक ईमान और अकीदा और मनहज भी होना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें सब सालेहीन के अकीदे पर कायम रखे, उनके मनहज पर कायम रखे। आमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।